हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग यहाँ पर रीड के मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। 30 क्वेश्चन आज के सेशन में रहेंगे, जिसमें आपका पर्यावरण भी रहेगा और साथ में पर्यावरण शिक्षण शास्त्र भी रहेगा। ठीक है, तो सेशन को आप लास्ट तक देखें और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से 8770803840 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी का कोर्स अवेलेबल है, ईवीएस का एमपीटेट और रीड दोनों के लिए कोर्स अवेलेबल है। इसी तरीके से सीडीपी की आपकी वीडियो क्लासेस रनिंग है, यदि आप उस क्लास के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके क्लास के अंदर इनरोल हो सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नैजा नृत्य किया जाता है बांसवाड़ा के भीलों के द्वारा, खेरवाड़ा के मीणा जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है, भीलवाड़ा के जो भील समुदाय है जो आदिवासी जनजाति उनके द्वारा किया जाता है, भरतपुर के मीणा के द्वारा। तो नैजा एक प्रकार का नृत्य होता है, जिसमें बोल सकते हैं कि एक खंबा गाड़कर उसके आसपास नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से एक नृत्य करने की कला बोल सकते हैं इसे आप। तो ये पर्टिकुलर किया जाता है खेरवाड़ा की जो मीणा जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्थान रीट का मॉडल पेपर लगा रहे हैं, इसमें राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मल आपके इन्वायरमेंट पर्यावरण के होंगे, लेकिन स्पेसिफिक राजस्थान के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत के तार बनाने में काम लिया जाता है लकड़ी का, तांबे का, प्लास्टिक का या फिर धागे का। हमें पता है जब भी विद्युत के तार बनाए जाते हैं तो तांबे के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे कुचालक हैं और हमें चाहिए सुचालक, तभी विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो पाएगी। राइट, तो सुचालक यहाँ पर कौन होगा, तांबा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। चंद्र ग्रहण कब होता है, अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को या फिर द्वितीया को। हमें पता है जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, तभी वो एकदम से नहीं दिखाई देता और कुछ समय के बाद दिखाई देता है। तो जब पूर्णिमा होगी उसी दिन यहाँ पर चंद्र ग्रहण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। छाया निर्माण के लिए किस चीज़ का होना आवश्यक है, प्रकाश स्रोत का। हम लोग चाहते हैं किसी भी चीज़ की परछाई, शेडो या फिर छाया बने, तो उसके लिए प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है, अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है, पर्दे का होना आवश्यक है या फिर इसका ऑप्शन नंबर डी आपके सामने रहेगा, उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों का होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों का होना यहाँ पर आवश्यक है। तो बिल्कुल प्रकाश स्रोत होगा, उसी के माध्यम से यहाँ पर शेडो छाया होगी। ठीक है, कोई अपारदर्शी वस्तु होगी तो उसकी छाया हो सकती है, और पर्दा होगा तभी हम लोग छाया प्रतिबिंब को यहाँ पर देख पाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी वस्तुओं का होना यहाँ पर आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रेशेदार जड़ें कहाँ पर पाई जाती है, मक्के के अंदर, गेहूं के अंदर, प्याज के अंदर या इन सभी में। रेशेदार जड़ें को हमें पता है कि झगड़ा जड़ें भी बोलते हैं। दो प्रकार की जड़ें होती है, एक हमारी मुसला जड़ होती है और दूसरी होती है रेशेदार जड़ या फिर झकड़ा जड़ बोलते हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ में इस तरीके से पूरे जो जड़ होती है वो डायरेक्टली रेशों से इस प्रकार से छोटे छोटे रेशे होते हैं, और मुसला में एक मेन जड़ होकर उसके छोटे छोटे रेशे अलग से निकलते हैं। तो ये अलग अलग दो प्रकार की जड़ें होती है। तो हमसे पूछा गया डायरेक्टली रेशेदार जड़ें, जैसे ही वो जमीन से लगेगी इस प्रकार से वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, कोई मेन रूट या मेन ब्रांच इसकी नहीं होती है। ठीक है, तो रेशेदार जड़ें इन तीनों के अंदर पाई जाती है, मक्का के अंदर, गेहूं के अंदर, प्याज के अंदर, धनिया के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी के अंदर रेशेदार जड़ें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अपने स्कोर को आप यहाँ पर काउंट करते रहें और एट द लास्ट ऑफ द सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना बना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलीय पौधा इनमें से कौन सा है, क्या ये हाइड्रीला है, हाइड्रीला एक प्रकार का जलीय पौधा है जल के अंदर होने वाला, ओक का पौधा हो सकता है, बांस हो सकता है या फिर तुलसी हो सकता है। इसमें से आपका जलीय पौधा क्या होगा, जलीय पौधा आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रीला। ठीक है, जल के अंदर उत्पन्न होने वाले पौधे को जलीय पौधे बोलते हैं, और इसमें से जो जलीय पौधा है वो हमारा हाइड्रीला है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। चलिए सही मिलान आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, ये कॉलम आपको दिए हुए, दो अलग अलग कॉलम दिए हुए और ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा किसके सामने बैठेगा ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ था, विषाणु, विषाणु जो होता है
कौन सी बीमारी विषाणु की वजह से होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, एड्स होता है, दही होता है, और ऑप्शन नंबर डी को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको दे रहा है लैक्टोबैसिलस, इधर दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है आपको किडवन, ठीक है, लैक्टोबैसिलस और किडवन की प्रोसेस यहाँ पर आपको दे रखी है, यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं लैक्टोबैसिलस और इट साइड हमारी हो जाएगी किडवन की प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपके चारों स्टेटमेंट हो गए, बस आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। विषाणु, देखो किडवन प्रक्रिया तो होगी नहीं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग यहाँ पर कोड डाल देते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, इस हिसाब से अरेंज करें। दूसरे का आंसर ये हो गया। यीस्ट की प्रक्रिया किस में होती है, दही या फिर किडवन की प्रक्रिया, तो यीस्ट एक प्रकार से किडवन की प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा डी वाला। और हमसे फोर्थ पूछा है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस का आंसर आपका बन जाएगा सी, यानी कि दही। तो आपका कोड क्या बन गया, आपका कोड बन गया यहाँ पर BADC, क्योंकि आपसे पूछा गया था विषाणु, विषाणु के बारे में आपको बताना था, तो एड्स, ठीक है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यीस्ट की प्रक्रिया किडवन, ठीक है, और लैक्टोबैसिलस जो है दही में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाना चाहिए था BADC। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन हमारे यहाँ पर मैच कर पा रहे हैं क्या। देखिए ऑप्शन सबसे पहला आपको दिया हुआ है BADC, ओके, यही हमारा आंसर था BADC करके, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपका ABCD था, तीसरा DABC था, ठीक है, और CADB था, हमने यह अरेंज किया, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए बिनोटा का मतलब क्या होता है, दूल्हे के द्वारा दुल्हन के घर पर भेजा गया सामान, क्या इसे बिनोटा बोला जाता है। दुल्हन दूल्हे की विवाह से पूर्व की जो झांकी निकाली जाती है, वंदोरी वगैरह जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो हो सकता है, दुल्हन के विवाह का वेश, ठीक है, कपड़े जिसे हम लोग भिजवाते हैं ना, वो वाली चीज़, और स्टेटमेंट डी दिया हुआ है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियाँ होती है उसे यहाँ पर बिनोटा बोला जाता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूल्हा दुल्हन के जो विवाह की जूतियाँ होती है उसे राजस्थानी लैंग्वेज में बिनोटा यहाँ पर बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके राजस्थान शब्दावली से पूछा हुआ है, तो एक बार से हम लोग इस चैप्टर को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे शब्दावली को। राजस्थान में कुछ अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, राइट, तो एक सेशन में वो सारे नेम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनना था ऑप्शन नंबर डी, दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में किस रजवाड़े ने ब्लू पॉटरी जो है उसको आश्रय दिया था। अब ये पॉटरी क्या होता है, मिट्टी के बर्तन को जो अलग अलग आकार देकर बनाया जाता है उन्हें पॉटरी कहा जाता है। इस तरीके से ब्लू पॉटरी होती है, रेड पॉटरी होती है, इस तरीके से 3 से 4 अलग अलग तरीके की पॉटरी होती है। हमसे ब्लू पॉटरी के बारे में पूछा गया, जयपुर दिया था, उदयपुर दिया था, धौलपुर ने दिया था, फिर जोधपुर ने आश्रय दिया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर के द्वारा जो ब्लू पॉटरी को आश्रय दिया गया था, ठीक है, तो जयपुर रजवाड़े के द्वारा इसे आश्रय दिया गया था। करेक्ट आंसर हम लोगों को यहाँ पर करके आना है ऑप्शन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान की हस्तकला व चित्रकला से, हर एक चैप्टर से यहाँ पर एक एक क्वेश्चन अरेंज किया गया ताकि सारे चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा गया है कि वृहत मात्रिक पोषक तत्व कौन सा है। हमने दो प्रकार के पोषक तत्व पढ़े थे जब हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे RBSE की राजस्थान बोर्ड की बुक से, तो उसमें हमने दो प्रकार के पोषक तत्व देखे थे कि वृहत मात्रिक होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है यहाँ पर सूक्ष्म मात्रिक जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो इनमें से वृहत मात्रिक क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है, बोरोन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर क्लोरीन यहाँ पर हो सकता है। तो इसमें से वृहत मात्रिक पोषक तत्व जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो बोल सकते हैं कि मिट्टी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृत जीवी पादक इनमें से कौन सा है। देखिए मृत उपजीवी पादप के बारे में पूछा गया है, नीम हो सकता है, ड्रोसेरा हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, या फिर अमरबेल यहाँ पर हो सकता है। देखेंगे क्या आंसर यहाँ पर बनेगा मृत जीवी पादप के बारे में। चलिए आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, म्यूकस जो होता है मृत जीवी पादप होता है,
ठीक है। मृतजीवी पादप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये यदि हम लोग देख लें, मृतजीवी पादप वो पादप होते हैं जो सड़े गले या जो मृत पदार्थ होते हैं या फिर मृत पौधों पर जो है अपना जीवन यापन करते हैं और उसी पर आश्रय लेते हैं, तो इस प्रकार के पौधों को बोला जाता है मृतोपजीवी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा पौधा मृतोपजीवी हमारा बन रहा है, मृतोपजीवी हमारा बनेगा यहाँ पर म्यूकस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं लिख देती हूँ, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आंसर के साथ ले सकते हैं। हमसे पूछा गया था मृतोपजीवी का, मृतोपजीवी यहाँ पर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा खगोली पिंड को रात की रानी यहाँ पर कहा जाता है, ये आपका अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। हर एक पेपर में आपके कंसीडर करके चले कि एक से दो प्रश्न आपके अंतरिक्ष से पूछे जाएंगे, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या प्लूटो। तो रात की रानी यहाँ पर कहा जाएगा चंद्रमा को, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर वन, चंद्रमा को यहाँ पर रात की रानी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका भोर का तारा भी आता है, भोर का तारा क्या है, शुक्र है। ठीक है, सर्वप्रथम जो हम लोग देखते हैं कि खोजा गया शुद्र ग्रह यहाँ पर कौन सा है, सीरस है, पलास है, जूनो है या फिर वेस्ता है। तो सर्वप्रथम खोजा गया जो शुद्र ग्रह है वो यहाँ पर सीरस है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन, 1869 में गेसेप पियाजी के द्वारा सर्वप्रथम सीरस नाम के शुद्र ग्रह को यहाँ पर खोजा गया था। ठीक है, तो ये नेम आप याद रख सकते हैं यहाँ पर, तो इस खोजा गया शुद्र ग्रह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वन, यानी कि सीरस जो है सबसे पहले खोजा गया शुद्र ग्रह है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारा, संपूर्ण धरातल के सर्वाधिक भाग पर कौन सी चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने, कायंत्रित चट्टाने या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा चट्टाने जो मिलती है वो हमें पाई जाती है अवसादी चट्टाने, सबसे अधिक मात्रा इन्हीं चट्टानों की होती है, तीन प्रकार की चट्टाने होती है, आग्नेय होती है, अवसादी होती है और कायंत्रित होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको अवसादी चट्टाने देखने को मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, डायनासोर का युग किसे कहा जाता है, कैम्ब्रियन युग को, डिवोनियन युग को, जुरासिक युग को या फिर अल्पनूतन युग को। तो डायनासोर का जो युग था उसे जुरासिक वर्ल्ड, आपने मूवी देखी होगी या फिर उसका नाम सुना होगा, तो उसी से कनेक्टेड है ये, जुरासिक युग को ही यहाँ पर डायनासोर का युग कहा जाता था, उस समय में ये जो डायनासोर थे ये अस्तित्व में थे, राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में किस स्टेटमेंट से या फिर किस कथन से आप सहमत नहीं हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढकर निकालना है, एक नकारात्मक कथन ढूंढकर निकालना है। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है, यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक और अंतर स्थापित करता है, वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है और यह विकास में कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। मतलब यदि बच्चों का इस प्रकार से विकास हो रहा है तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित होगी। हमें बताना था कि नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, तो वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक ज्ञान को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत है, निरपेक्ष नहीं होता है, सापेक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये पंचायती राज व्यवस्था से पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था क्या प्रदान करता है, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास करता है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की व्यवस्था करता है, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन करता है या फिर देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव करना इसका लक्ष्य यहाँ पर रहेगा। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, क्योंकि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पर दो सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, एक में हमने पूरा थ्योरी को डिस्कस किया था, अगर आपको सेशन नहीं मिला है तो एक बार से जरूर से प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे, और एक में हम लोगों ने 65 क्वेश्चन जो है अकेले पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है हमें स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था को सिखाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण यहाँ पर क्या बन सकता है, विषयगत होगा यदि वो एकीकृत होगी, यदि वो समावेशी होगी या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को हमेशा एकीकृत इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाया जाता है, विषयगत रूप से पढ़ाया जाता है और समावेशी होकर भी पढ़ाया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो सकता था ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना। ठीक है, स्वयं का आकलन मतलब बच्चे खुद का असेसमेंट खुद से कर ले, तो उसे सीखने के समान आकलन बोलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो ये आपके लिए सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसे असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में कंसिडर किया जाएगा।
तीसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तीसरा ऑप्शन दे रहा है सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। बच्चा यदि अपना आकलन स्वयं कर रहा है और साथ ही शिक्षक अपना आकलन भी स्वयं कर पा रहा है, तो इस प्रकार के आकलन को असेसमेंट एस लर्निंग बोला जाता है, यानी कि सीखने के समान आकलन इसको बोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पूछा क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल यही चीज़ गई थी कि बच्चा अपना आकलन यहाँ पर स्वयं करता है, ये टीचर बच्चों को जो है इस प्रकार से अवसर दे रहा है जहाँ पर बच्चा अपना असेसमेंट खुद कर पाए, तो इस प्रकार के आकलन को सीखने के समान आकलन के रूप में यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय प्रश्नावली कौन सी हो सकती है, व्याख्यानात्मक विधि, मौखिक विधि, वस्तुनिष्ठ विधि या फिर प्रायोगिक विधि। तो सबसे ज़्यादा एक ट्रस्टेबल क्वेश्चनरी मेथड यहाँ पर कौन सी हो सकती है, जो जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़े, या फिर एक वर्बल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में हो सकती है, वस्तुनिष्ठ रूप में हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो सकती है। तो ये आपकी बन जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, चाहे वो सही गलत हो गए, सही मिलान हो गए, रिक्त स्थान हो गए, बहु प्रश्नीय बोलते हैं ना जिसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये विश्वसनीय भी होते हैं और साथ के साथ ये वैध भी होते हैं, मतलब रियलेबल भी होते हैं और साथ में ये वैलिड भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। हमने राजस्थानी आभूषण के ऊपर एक क्लास कंप्लीट करी थी, राइट, जिसमें हमने सारे राजस्थानी आभूषण के बारे में देखा था और उसका क्वीज कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन आया था उसमें हमने राजस्थानी वेशभूषा के बारे में सारी क्लासेस जो है, लाइक पगड़ी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कितने प्रकार की पगड़ी होती है और कौन से राजघराने में किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, ये भी कंप्लीट करके इसका भी क्वीज हमने कंप्लीट कर लिया। तो कोई भी सेशन मिस नहीं करना, सारी क्वीज आपकी उसी पर आधारित है। हमसे भी पूछा गया कि चोप नामक जो आभूषण है शरीर के किस अंग पर, गर्दन, कलाई, मस्तक या फिर नाक पर पहना जाता है, तो चोप को यहां पर पहना जाता है नाक पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका योगदान रहा है, जो बाल विवाह अधिनियम जो आया था उसको किसके द्वारा रेडी किया गया था 1930 के अंदर। आपको हिंट लगी गई होगी, आपका चैप्टर वन जो हमने किया था यहाँ पर, जितने भी सोशल एवं सामाजिक बुराइयाँ वगैरह थी उनके ऊपर सब पर डिस्कस किया था, तो उसमें हमने इस नियम के बारे में भी पढ़ा था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या हरविलास शारदा। तो शारदा एक्ट आपने पढ़ा है, जो हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया वो इसी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाना था ऑप्शन नंबर डी, हरविलास शारदा के द्वारा इसको तैयार किया गया था, इनका योगदान इसमें है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आंसर करेंगे, ओजोन परत से क्षरण से कौन सी समस्या होगी। जो ओजोन परत के अंदर छेद होता जा रहा है, होल होता जा रहा है, उससे कौन सी समस्या यहाँ पर जनरेट हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ऑक्सीजन की वातावरण में कमी हो रही है, पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंचना या फिर वनस्पति में कमी हो रही है। देखो ये तो सारी किसकी वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अंदर होल छेद होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या हो रही है, पृथ्वी तक आ रही है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी की सतह पर आ रही है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर और कई सारी बीमारियां यहाँ पर जन्म ले रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर में, अलवर में, भरतपुर में या फिर बाड़मेर में। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हमारा यहाँ पर स्थित है ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर के अंदर, ठीक है। कुछ नेशनल पार्क से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, रेडी रहिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। हर एक पेपर में हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार से सेट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से गैसीय प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, भस्मीकरण टेक्निक का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, अवशोषण टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है, इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करा जा सकता है। देखो यहाँ पर गैसी जितना भी गैसेस निकल रही है, तो यदि उसको वातावरण में पहुँचने से पहले ही अवशोषित कर लिया जाए तो वो सबसे अच्छा माध्यम यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर किस टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है अवशोषण टेक्निक का। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अवशोषण टेक्निक का हम लोग यहाँ पर वातावरण से जितनी भी गैसेस आ रही है, हानिकारक गैसेस आ रही है, अलग अलग माध्यम से उसको अब्जॉर्व यहाँ पर कर लिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आंसर करेंगे, एक आलू को यहाँ पर
दो भागों में काट दिया गया आयोडीन के घोल की। अब आलू को क्या करा हमने, दो भागों में काट दिया। अब आयोडीन की कुछ बूंदे, एक से दो बूंदे डाली है। ठीक है, आपसे स्टार्च परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। अब कलर कैसे चेंज होगा, भूरा रंग जो है नीले काले में परिवर्तित हो जाएगा, ये संतरी लाल हो जाएगा, नीले से गुलाबी हो जाएगा, ये गुलाबी से नीला हला कलर यहाँ पर हो सकता है। तो हमें बताया कि जब हम लोग स्टार्च परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आलू का प्रयोग कर रहे हैं, आयोडीन की दो तीन बूंदे हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भूरा रंग जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, नीले काले रंग के अंदर यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप करेंगे। हाय, और जिस भी ग्रुप में, चाहे आपका रीट का एग्ज़ाम है, एमपीटेट का एग्ज़ाम है, और भी कोई एग्ज़ाम आ रही है, उस नेम के साथ आप उस ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले में से क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख रहे हैं। अगले में से कौन सा सिर्फ एक संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, इन चारों में से क्या एक हमारी जो संयुक्त परिवार है उसकी विशेषता नहीं होगी। सामान्य निवास और प्रथागत रसोई, निजी स्वतंत्रता निर्भरता को बढ़ावा देना, परिवार के सभी सदस्यों के पास काफ़ी संपत्ति और उद्यम हो, पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य जो है, क्या ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। हमें करेक्ट आंसर ढूंढकर निकालना था। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है इन चारों के अंदर से, निजी स्वतंत्रता या निर्भरता को बढ़ावा देना, ये संयुक्त परिवार की यहाँ पर विशेषता नहीं होती है, क्योंकि हर काम वहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। बाहर कार्य करने वाले अलग होंगे, घर पर काम करने वाले अलग, बच्चों को देखरेख करने वाले अलग, ठीक है, घर का एक मुखिया हो जाएगा जो सारे डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर निजी स्वतंत्रता और निर्भरता को बढ़ावा देने जैसा माध्यम कम ही होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि बी ठीक हो सकता है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। पुराने शास्त्रों ग्रंथों की बात करें तो किस नाम से राजस्थान को जाना गया, मरु प्रदेश के नाम से, मरु कांतर के नाम से, रायथान के नाम से, या फिर राजस्थानादित्य के नाम से। ठीक है, राजस्थानादित्य। तो हमें पता है कि जब हम लोग पुराने ग्रंथ वगैरह देखते हैं तो उसमें राजस्थान को मरुकांतर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन नंबर वन, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। मरुकांतर आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 29 आपसे पूछ रहा है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के निकट कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती है। क्या तूतीकोरिन यहाँ पर हो सकता है, कांडला हो सकता है, पारदीप हो सकता है, या फिर कोचीन हो सकता है। तो सबसे पास 300 किलोमीटर दूर पर स्थित है कांडला। ठीक है, कांडला पोर्ट जो है 300 किलोमीटर दूर पर स्थित है, और ये किस राज्य में आता है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो ये हमारा राजस्थान है, और इस साइड हमारा आता है गुजरात, तो ये गुजरात में स्थित है। कांडला द्वीप जो है सबसे निकट यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आंसर करेंगे। संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित यहाँ पर किया गया। सारी अनुसूचित जनजातियों की जो जानकारी है आपको किसके अंदर मिलेगी, 332 के अंदर, 342 के अंदर, 352 के अंदर, या फिर 362 के अंदर, इन सारी जनजातियों की आपको जानकारी मिलेगी। आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 342 के अंदर ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। ओके, तो आज के सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा है आप कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे, ताकि इसी तरीके से लेवल हम लोग डे बाय डे यहाँ पर इंक्रीज करते रहें। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को अपना आंसर करना है, और कोई भी चीज़, यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको न्यू लगी हो और इससे पहले आपने नहीं देखी हो, तो फर्स्टली आप थ्योरी सेशन को साथ के साथ देखते रहें, क्योंकि जितना थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट किया उसी के आधार पर आज का जो ये सेशन डिज़ाइन किया गया था। हम लोग यहाँ पर शिक्षण शास्त्र भी कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ के साथ आपकी RBSE बुक पर आधारित, लाइक राजस्थान बोर्ड की जितनी भी बुक्स होती है, वो सारी थ्योरी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज भी आपकी क्लासेस यहाँ पर जो रीड की है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई भी क्लासेस यदि आपकी मिस हो गई हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इसका PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट है www.globalworld.com, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ है। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।